जय जिनेंद्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के धार्मिक समाचार इस प्रकार हैं। साध्वी श्री सुमनिशा जी महाराज आदि ठाना चातुर्मास हेतु श्री आत्मानंद जैन सभा आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय पुराना बाजार लुधियाना में विराजमान है। चातुर्मास में प्रतिदिन कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम प्रातः से सायंकाल तक आयोजित किए जा रहे हैं। श्री आत्मवल्लभ समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमत विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी शासन ज्योति पूज्य साध्वी सुमती श्री जी महाराज की सुशिष्याएं परम पूज्य साध्वी श्री सुमनिशा जी महाराज चातुर्मास हेतु श्री आत्मानंद जैन सभा आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय पुराना बाजार लुधियाना में विराजमान है। साध्वी श्री द्वारा प्रतिदिन सुबह प्रवचन किए जा रहे हैं, जिसमें जैन भक्त भाई बहन शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र की आराधना प्रातः से सायंकाल तक की जा रही है और जैन भक्त भाई बहन मंत्र जाप करके पुण्योपार्जन कर रहे हैं। आज नमस्कार महामंत्र की संगीतमयी धुनि चलेगी, जिसमें लुधियाना श्री संघ के अनेक गायकों ने भाग लिया। इस धार्मिक कार्यक्रम में नवकार महामंत्र की आराधना भी की गई। श्रीमद आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सूरी जी महाराज साहेब, उनकी आज्ञानुवर्तनी पूज्य शासन ज्योति साध्वी श्री सुमती श्री जी महाराज साहेब की सुशिष्याएँ साध्वी श्री सुमनिशा श्री जी आदि ठाना तीन, जिनका यशस्वी चातुर्मास श्री आत्मवल्लभ जैन उपाश्रय पुराना बाजार में श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के तत्वावधान में बहुत यशस्वी ढंग से चल रहा है। आज दिनांक 23 जुलाई रविवार को प्रातः 9:30 बजे श्री नमस्कार महामंत्र की आराधना संगीतमय ढंग से सामूहिक रूप से यहां पर प्रारंभ हुई। श्री नमस्कार महामंत्र, जिनको मंत्रों का राजा कहा गया है, महामंत्र कहा गया है, जिसमें पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार है, इसकी आराधना श्री संघ के अनेक संगीतकारों ने गायकों ने संगीतमय ढंग से पूरे संघ को आराधना करवाई और पूज्य साध्वी श्री जी महाराज साहिब ने यहाँ पर श्री नमस्कार महामंत्र के ऊपर ध्यान योग के अंदर उच्चारण किस प्रकार से किया जाए इसकी विशिष्ट विवेचना की। पूज्य साध्वी श्री जी प्रतिदिन 9 से 10 बजे उपदेश प्रसाद ग्रंथ जो श्री लक्ष्मीश्वरी महाराज साहिब द्वारा लिखा गया है, उन पर प्रतिदिन समकीत के ऊपर प्रवचन फरमा रही हैं। सकल जैन समाज से निवेदन है कि इस आयोजन के अंदर प्रतिदिन 9 से 10 बजे आने का प्रयास करें और पुण्य उपार्जन करें, कर्मों की निर्जरा करें और प्रतिदिन प्रातः 6 से 6:30 बजे तक श्री नमस्कार महामंत्र की आराधना यहां पर होती है। नमस्कार महामंत्र पीठिका यहां पर स्थापित की गई है, इसका भी आप लाभ लें, प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र की माला जपें। आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के सुशिष्य संघ संचालक गुरुदेव श्री नरेंद्र चंद्र जी महाराज आदि ठाना 5 चातुर्मास हेतु जैन स्थानक रोहिणी दिल्ली में विराजमान है। चातुर्मास प्रारंभ से ही जब तप प्रारंभ हो चुका है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो चैप्टर लुधियाना की ओर से एक मोटिवेशनल लेक्चर लोक पद्मा हाल SAN जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसी लुधियाना में करवाया गया। इस कार्यक्रम में पुणे से श्री चकोर गांधी मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित थे। व्यापार बदल रहा है, महिलाओं की पारिवारिक व्यापार में भागीदारी,
के विषय पर एक मोटिवेशनल लेक्चर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो चैप्टर लुधियाना की ओर से लोक पद्महाल SAN जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरेसी लुधियाना में आयोजित किया गया। इस मोटिवेशनल लेक्चर में विशेष तौर पर पुणे से आए श्री चकोर गांधी ने उपस्थित मेहमानों को व्यापार में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जीतो का लुधियाना चैप्टर जो कि पिछले 4 साल से सेवा में संलग्न है, कोई ना कोई प्रोग्राम लुधियाना में करते रहते हैं। आज भी हमने एक पुणे से बहुत बड़े स्पीकर मिस्टर चकोर गांधी आए हैं, उनका लेक्चर बिजनेस बारे में कि लेडीज़ को हम कैसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं वो उन्होंने दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि सारे समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह हम अगला अपना प्रोग्राम जो है 9 सितंबर को करा रहे हैं, जिसमें एक हम बहुत बड़ा प्ले करा रहे हैं, बॉम्बे से टीम आ रही है और उसमें वो है गुरु गौतम, एक नृत्य नाटिका है जो कि हम 9 सितंबर को कराने जा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारा जो जीतो एपेक्स है वो सारे कामों में पिछले 8-9 साल से लगा हुआ है और अब तक लगभग 50 के करीब सेंटर ऑल ओवर इंडिया में और 5-6 एब्रॉड में खुल चुके हैं, जहाँ के हर तरह की एक्टिविटी, दूसरों की सेवा, बच्चों की पढ़ाई में योगदान वगैरह, काफ़ी हमारे साधु संतों की सेवा और उनका पूरा इलाज का खर्चा, इस टाइप के बहुत प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं और इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ सारा इसके बारे में और ज़्यादा उससे भी ज़्यादा बिजनेस के बारे में हम कैसे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छे अच्छे स्पीकर और अच्छे अच्छे उसमें काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं जो कि हमारे समाज के लिए, जैन समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज हमारे बीच में श्री चकोर गांधी जी आए हैं, मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं हमारे जीतो लुधियाना चैप्टर विद यूथ एंड लेडीज़, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक दिया है टॉपिक जो है द रोल ऑफ वुमेन इन बिजनेस, एंड ही इज़ रियली मोटिवेटिंग अस एंड ही सेइंग दैट वी ऑल शुड कम अप एंड वी शुड कम आउट फ्रॉम आवर कम्फर्ट जोन एंड गिव गुड रिजल्ट्स। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी एवं उपाध्याय गुरुदेव श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की चरणोपासिका एवं सरल मना अभय मूर्ति उपरवर्तनी महासाध्वी श्री अभय कुमारी जी महाराज की सुशिष्य रत्ना उपवर्तनी कोकिला कंठी जैन भारती संयम साधिका शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री मीना जी महाराज परम सेवा भावी कर्मठ महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज साध्वी युगल महासाध्वी श्री समर्थ जी महाराज आदि ठाणे साथ जैन स्थानक मेन बाजार गांधी चौक रोपड़ में चातुर्मास 2017 हेतु विराजमान है। प्रवचन का समय प्रातः 8:30 बजे का है। लुधियाना में बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी लुधियाना की ओर से देश भर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों की सेवा हेतु ताजपुर चौक जीटी रोड पर बीती 29 जून से 23 जुलाई 2017 तक 9वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। इस भंडारे में यात्रियों के लिए लंगर, विश्राम घर और फ्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। 9वें विशाल भंडारे का आयोजन 29 जून से 23 जुलाई 2017 तक दिन रात लुधियाना के ताजपुर चौक जीटी रोड पर किया गया था। यह भंडारा श्री सुरेंद्र डावर MLA एवं श्री मानिक डावर की देखरेख में बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी लुधियाना की ओर से देश भर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों हेतु लगाया गया। इस भंडारे के समापन समारोह में भजन संध्या, महासंकीर्तन और आरती की गई तथा भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। Yeah.
ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਵੈਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਸੰਤਾਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਠਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਤੁਰਮਾਸ 2017 ਹੇਤੂ ਨੇਕਚੰਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ ਰਾਨੀ ਪਾਰਕ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਜੰਮੂ ਮੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਭੀ ਭਕਤਜਨ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਮੇ ਪ੍ਰਵਚਨੋਂ ਕਾ ਲਾਭ ਲੇ। ਅਭੀ ਰੁਕਤੇ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਲੀਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। चिप ब्रिक्स, बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान तहसील जगराऊं, नंबर 9872503117, 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, किटी हॉल बैंक्वेट हॉल फुली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स विद 24-hour रूम सर्विस, 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sangla Wala Shivala Mandir, Ludhiana, phone 9780463030. बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के धार्मिक समाचारों की ओर। वर्तमानाचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी एवं संथारा साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री स्वरण कांता जी महाराज, संथारा साधिका महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज, श्रमण संज्ञे परवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज के सुशिष्य संघ सेतु स्वरण कुल चंद्रिका मधुरभाषिनी महासाध्वी श्री श्रुति जी महाराज आदि ठाना 3 चातुर्मास हेतु जैन स्थानक पंचकुला में विराजमान है। श्री शक्ति मोहन दुर्गा भजन मंडली की ओर से 56वां विशाल माँ भगवती जागरण बीती शाम दिनांक 22 जुलाई शनिवार को लुधियाना महानगर के द्रेसी रोड किला चौक वेद मंदिर मार्केट की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 56वां विशाल मां भगवती जागरण बीती शाम दिनांक 22 जुलाई शनिवार को लुधियाना महानगर के द्रेसी रोड किला चौक वेद मंदिर मार्केट की तरफ से और श्री शक्ति मोहन दुर्गा भजन मंडली की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इलाके और पंडाल को बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया था। इस जागरण में वरुण मैदान एंड पार्टी जलंधर वाले और MR चोपड़ा एंड पार्टी लुधियाना वाले ने भजन गायन किया। जागरण उपरांत अगले दिन भंडारे का आयोजन भी किया गया। ਪਤੀ
श्री शक्ति मोहन दुर्गा भजन मंडली वालों हर साल की तरह 56वां वार्षिक जागरण भगवती मां का ये करवाया जा रहा है। ये हर साल की तरह साढ़े बुजुर्गों ने यह सालाना जागरण शुरू किया सीगा जिहड़ा अज एक दिन एक एक साल करके 56 साल बीत गए ने। ये मेरे किला महला निवासी मेरा बहुत वड्डा सहयोग साडा दिंदे ने। अज 56वां जागरण है, ये भगवती मां का। ये दो दिन पहला महाराणी नैणा देवी चिंतपुरनी के जिहड़े नवरात्रे आंदे हन ये चाला शुरू हुंदा है। ये साढ़े दो दिन पहला असीं जागरण कराईदा है, अगले दिन भंडारा हुंदा है। तो पहले नराते महाराणी भगवती मां का ये साड़ी जिहड़ा ध्वजा 6x6 का झंडा साड़ा सारा किला महला निवासी घर तो 400-500 बंदा जाके महाराणी दे महाराणी नैणा देवी के दे दर्शन करता है, नाले ध्वजा जाके चढ़ाता है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमनदीप कौर की रिपोर्ट। रतिया के जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजित उपरवर्तनी शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्य श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणा सात के पावन सानिध्य में रविवार 30 जुलाई 2017 को आचार्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज एवं महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की जन्म जयंती समारोह बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। यह समारोह प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक जैन स्थानक मंडी रोड रतिया में होगा। आप सभी समारोह में पधार कर लाभ लें। लुधियाना के वार्ड नंबर 37 निमवाला चौक नज़दीक श्री वैष्णो माता मंदिर द्वारा बीते 5 साल से फ्री सिलाई सेंटर चलाया जा रहा है। इस सिलाई सेंटर की ट्रेनिंग पूरी होने पर सबको सर्टिफिकेट वितरित किए गए। शादीशुदा महिलाओं और कन्याओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के मंतव्य से लुधियाना के वार्ड नंबर 37 निमवाला चौक नज़दीक श्री वैष्णो माता मंदिर द्वारा बीते 5 साल से फ्री सिलाई सेंटर चलाया जा रहा है। इस फ्री कोर्स कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए कई तरह के विशेष सिलाई तकनीक सिखाई गई जिससे महिलाएं आगे चलकर अपना व्यवसाय बना सकती हैं। आज ट्रेनिंग पूरी करने वाली महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए गए जिससे उन्हें नौकरी का या व्यवसाय करने में आसानी रहेगी। इस अवसर पर आए गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। आज वार्ड नंबर 37 के विच अशोक सूद जी, रविराज श्याम जी ओजा, विनोद भारती जी, अशोक मल्होत्रा जी, सारे ही सत्कारयोग साथियों के वलों अज इत्थे सिलाई सेंटर के इन्हों के सदका मैं इतने आने का मौका मिलया। तो मैं आके बहुत ही अच्छा लग्या कि जो साड़ियां बेटियां ने साड़ियां भैनां ने सिलाई सेंटर के आके सिलाई सीख भी रही ने और युवा बेटियां सिलाई सिखा भी रही ने, क्योंकि औरतों के वास्ते घरेलू कामों के वास्ते सिलाई का जोड़ा सीखना बड़ा ही जरूरी है। और जो बेटियां का विवाह हो जाता दूसरे घर जाने ने तो फिर उन्होंने सस ससुर पुछते हैं बेटा तू कड़ा काम जानती है, सो जे इन्होंने सिलाई सीखी होएगी तो अपने घर का जोड़ा कामकाज है सिलाई का जोड़ा भी वो अपने घर से कर सकेंगे। और होर भी कोई ऐसे कोर्स है जो बच्चों को सीखने चाहिए जिवें कुकिंग का कोर्स है, क्योंकि कुकिंग का सीखना भी बड़ा जरूरी है। जे लड़कियाँ अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाउणगियां तो उन्होंने घर के सत्कार होएगा। यहाँ 5 साल से फ्री सिलाई स्कूल चलाया जा रहा है और हम सब यहाँ फ्री सिलाई सीख रहे हैं और इसके लिए कोई भी खर्चा किसी को भी नहीं देना पड़ता। हम यहाँ 3 साल से कोर्स कर रहे हैं और आज हमें यहाँ सर्टिफिकेट के लिए बुलाया गया है। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। नवकार समिति सुंदर नगर लुधियाना के द्वारा 5 अगस्त को गुरु आनंद रतन जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक शाम भगवान महावीर स्वामी जी के नाम कार्यक्रम किंग पैलेस सुंदर नगर में करवाया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध भजन सम्राट गायक श्री कुमार संजीव जी प्रभु का गुणगान करेंगे। दोस्तों आप सभी परिवार सहित आमंत्रित हैं। पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज और उनके शिष्य परम सुख मुनि जी महाराज चातुर्मास हेतु SS जैन सभा जनता नगर में विराजमान है। महाराज के प्रवचनों से इलाका निवासी और सभी जैन भक्त भाई बहन धर्म लाभ ले रहे हैं।
चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप योगी लोह पुरुष पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज, उनके शिष्य परम सुख मुनि जी महाराज लुधियाना के SS जैन सभा जनता नगर में विराजमान है। प्रतिदिन महाराज द्वारा प्रवचन और मंगल पाठ किए जा रहे हैं, जिससे इलाका निवासी और सभी जैन भक्त भाई बहन धर्म लाभ ले रहे हैं। ये जो जीवन है सबको मिला है, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, त्रियंच है, चीटी मकोड़े, सबको जीवन मिला है, लेकिन जीवन जीने की कला सबको समझ में आ रही है। ये सुधर्मा स्वामी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जम्मू स्वामी के सामने ये प्रवचन रख रहे हैं वो, ठीक है, प्रवचन रख रहे हैं वो तो वो प्रवचन उधर रख रहे हैं, उधर से सुन के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं आप ये समझना कि सुधर्मा स्वामी उस अपनी सभा में जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जम्मू कुमार भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर ये प्रवचन सुना रहे हैं कि ये जो जीवन है, जीवन सबको मिला है, लेकिन जीवन जीने की कला सबको नहीं मिला है। जैसे कि पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन पैसा खर्च करने का तरीका सबको नहीं मालूम कि पैसे को खर्च किसे किया जाता है। इसी तरीके से जीवन है, जीवन को कैसे जिया जाए ये किसी को मालूम नहीं है। आज जैन भक्त भाई बहनों द्वारा भजन गायन भी किया गया। आनंद शुक्ल जयंती आई, संदेश त्याग कलाई, संयम जप तप में रहना, ये समय है सुखदाई की, गुरुवर को वंदन करते हैं चरणों में सर को धरते हैं। सब संगी साथी छूट गए, सब संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, कित तू भी छड़ के ना जावी। मिट जान सारे कलेश तेरे, मिट जान सारे कलेश, छोड़े गुराने बंगला बनाया, छोड़े गुराने बंगला। रल मिल बोलो कि खुशियों की जनकार हो गई, रल मिल बोलो कि खुशियों की जनकार हो गई, गुरुवर भोले बाबा की। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुम से लगा बैठे। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नताशा की रिपोर्ट। श्रमण संघीय सलाहकार नवकार साधक उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज, ज्योतिषाचार्य गुरुदेव श्री संयोग ऋषि जी महाराज आदि ठाना मंगल चातुर्मास 2017 हेतु जलंधर के गुड़ मंडी जैन स्थानक में विराजमान है। सभी भक्तजन प्रातः 8:30 बजे गुरुदेव जी के वरवचनों का लाभ ले रहे हैं। 9वें विशाल भंडारे का आयोजन 29 जून से 23 जुलाई 2017 तक बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी लुधियाना की ओर से किया गया था। यह भंडारा देश भर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों की सेवा हेतु ताजपुर चौक GT रोड पर लगाया गया था, जिसके समापन के बाद आज हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। 9वें विशाल भंडारे का आयोजन 29 जून से 23 जुलाई 2017 तक दिन रात लुधियाना के ताजपुर चौक GT रोड पर किया गया। यह भंडारा श्री सुरेंद्र डावर MLA एवं श्री मानिक डावर की देखरेख में बाबा अमरनाथ लंगर कमेटी लुधियाना की ओर से देश भर से श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे यात्रियों हेतु लगाया गया था। 24 घंटे चलने वाली इस भंडारे में यात्रियों के लिए लंगर, विश्राम घर और फ्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। बीती शाम इस भंडारे के समापन के बाद आज भंडारा स्थल पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। स्वाहा
लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अमनदीप कौर की रिपोर्ट। आज के धार्मिक समाचार बस यहीं तक। मैं काव्या जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें वीपीओ चौकी मान तहसील जगराव नंबर 9872503117 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट किटी हॉल बैंक्वेट हॉल फुली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स विद 24-hour रूम सर्विस 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sangla Wala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 9780463030.